हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन स्टडी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट का आता था कि ऑनलाइन स्टडी के लिए कौन सा चैनल है, कौन सा वेबसाइट है, कैसे देखा जाए, कैसे पढ़ा जाए। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करते हैं। हम लोग इसके महत्व को समझेंगे, इसके इम्पोर्टेंस को, कितना ये ज़रूरी है और इसका क्या इसमें निगेटिव कुछ पॉइंट्स हैं, निगेटिव फैक्ट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। टोटल देखा जाए तो हम लोग जानेंगे कि ऑनलाइन स्टडी कैसे करें, कैसे हम लोग इफेक्टिवली करें, खासकर देखा जाए तो बीपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू ये लगातार है, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स 64 का होने वाला है, 63 का मेंस है और जो 60-62 है उसका इंटरव्यू है, क्योंकि अभी जो है सितंबर में इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इफेक्टिवली अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये आपको नुकसान कर सकता है। इसके लिए है कि कुछ आपको सिलेक्टेड वेबसाइट के थ्रू जाना होगा, कुछ सिलेक्टेड यूट्यूब चैनल होगा और कुछ सिलेक्टेड जो है आपको PDF मटेरियल, बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब आपको देखना होगा। डिजिटल माध्यम का मतलब क्या होगा? डिजिटल का माध्यम का मतलब हो गया कि वैसे माध्यम जिसके द्वारा हम लोग नॉलेज को एक्वायर करते हैं, वो हो गया या तो हो गया हमारा PDF के फॉर्मेट में, यानी कंप्यूटर, टैबलेट या फिर जो किंडल, इसके द्वारा हम लोग पढ़ाई करते हैं। ऑडियो हो गया, ऑडियो के थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। वीडियो हो गया जो कि यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन के लिए वेबसाइट होता है तो उस वेबसाइट पर भी आपको पूरी तरह से नॉलेज दिया जाता है और ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भी। अब है कि आपको थोड़ा इसमें चूजी होना होगा, इसमें चुनना होगा किस किस चीज़ के लिए हम कौन कौन चीज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप UPSC के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, BPSC के लिए कर रहे हैं उसके लिए अलग वेबसाइट है, अलग कंटेंट है, SSC के लिए अलग है, सभी के लिए अलग है। ऐसा नहीं समझे कि सभी को एक जैसे आप देखें। बात कर रहे हैं आज हम लोग, वो कर रहे हैं BPSC के लिए, प्रॉपर BPSC के लिए बात कर रहे हैं। तो BPSC के एग्ज़ाम के रिलेटेड बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं वेबसाइट, कौन कौन से वेबसाइट है जो कि आपको देखना चाहिए। वेबसाइट में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा में देखा जाए, मेरा मानना है कि पहला जो है वो है PIB आपको जरूर देखना चाहिए, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है और यहाँ पे सादा इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेगा, सही इन्फॉर्मेशन रहेगा और ये आपके बहुत काम का हो सकता है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है। और सबसे अच्छी खासियत बात है कि यह हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आपको माध्यम को लेकर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं जिसके साथ है आप उसके साथ जाएँ, जिस मीडियम से आप लिख रहे हैं मेंस एग्जामिनेशन, खासकर मेंस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के लिए, तो आप हिंदी में इंग्लिश दोनों में समझ सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है, तो आप प्रीलिम्स के लिए तो आप समझ सकते हैं। अगर देखा जाए मेंस के लिए तो ये वेबसाइट बहुत ही काम का है। दूसरा वेबसाइट देखें तो दूसरा वेबसाइट आता है prsindia.org। आपको इस वेबसाइट के बारे में अमित शाह ने भी बताया था LSW में, क्योंकि LSW में जो कुछ अमेंडमेंट आते हैं, नए नए अमेंडमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना था कि नए नए अमेंडमेंट कौन से किताब से पढ़ें, तो उस अमेंडमेंट के लिए इन्होंने बोला था कि इस prsindia.org पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपको सारे अमेंडमेंट्स जो है बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ है और उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, तो आपको समझने में पढ़ने में बहुत आसानी होगी। तो ये दो वेबसाइट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC के लिए, पहला PIB, दूसरा है prsindia। तीसरा देखिए, अगर करेंट अफेयर्स के लिए देखना चाहते हो, करेंट अफेयर्स के लिए मेरा मानना है कि आप दृष्टि को देख सकते हैं। दृष्टि जो है हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है और इसका जो क्वालिटी इसका देखा जाए, कंटेंट क्वालिटी, तो आपको एक न्यूज एनालिसिस आता है, एडिटोरियल एनालिसिस आता है, ऑब्जेक्टिव MCQ आता है, तो इस तरह से जो है ना आपको देखा जाए तो प्रीलिम्स के लिए बहुत कवर करेगा, मेंस के लिए भी बहुत हद तक कवर करेगा, पूरा तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रॉपर जो है UPSC के लिए है, लेकिन BPSC का बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो प्रीलिम्स के लिए और फिर मेंस के लिए आप अगर वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो देखें आप इसको जो दृष्टि का है, और भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं तो आप चुने, अगर आपको जिसके साथ कंफर्टेबिलिटी है उसी के ज़्यादा, मैं आपको वेबसाइट गिना रहा हूँ अपना व्यू के अनुसार, आप बहुत सारे वेबसाइट हैं उसको आप चुन सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा PIB, दूसरा हो गया PRS और तीसरा जो हो गया वो हो गया आप दृष्टि को देख सकते हैं। चौथा में देखें जो हम लोग मल्टीमीडिया को इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने के लिए, वो है यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पर बात आती है यूट्यूब चैनल के बारे में, तो यूट्यूब चैनल अगर मेरी बात किया जाए तो मैं इसको 60-62 में मेंस के समय इसको मैं स्टार्ट किया था पिछले साल 2017 में, और उस समय से चला रहा है चैनल। उस समय कोई चैनल नहीं था, मुझे मटेरियल का बहुत दिक्कत हो रही थी, कहीं हमको डिजिटल माध्यम से मटेरियल मिल नहीं रहा था,
तो मुझे लगा कि जब मेरी दिक्कत हुई तो और सारे लोगों को दिक्कत हुआ, तो उस समय मैं चैनल बनाया और स्पेसिफिक मैं मेंस में वैसे कंटेंट को डालना शुरू किया जो कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है, बाकी सारे तो मेरे लिए आपको किताब के रूप में उपलब्ध है ही मार्केट में, तो मैं वैसा कोशिश किया था। उसके बाद से चैनल देखें कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको सराहा तो आगे बढ़ते चला गया। फिल्म्स के लिए मैं इस बार 63rd में फिल्म से रिलेटेड कुछ मैं कंटेंट को डाला था। तो यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब चैनल में मैं सबसे पहला जो चैनल प्रेफर कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ओनली आईएस। ओनली आईएस से आपको फ़ायदा क्या होगा, ओनली आईएस अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता चल जाएगा। तो ओनली आईएस से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस और इकोनॉमिक टाइम्स, तो ये तीन पेपर का वहाँ पे एक अच्छा ढंग से एडिटोरियल, अब एडिटोरियल भी उसी चीज़ को रहता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है, मतलब हम सभी को क्या जानना चाहिए, कोई भी मसालेदार न्यूज़ को वहाँ पर डिस्कस नहीं किया जाता है। वहाँ पर डिस्कस किया जाता है कि क्या हमारा देश की अर्थव्यवस्था है, हमारे देश में अभी जो घटनाएं हो रही हैं ये किस तरह हमारा देश जा रहा है, तो मतलब एक आपको एक बहुत ही ब्रॉड लुक तैयार होगा। तो ओनली आईएस मैं उनको बहुत सराहता हूँ उनके काम को और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो आप वो चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको जो है एक ब्रॉड लुक मिलेगा। उनका आता है प्रीलिम्स के लिए भी आता है प्रीलिम बूस्टर, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि फ़ायदा करेगा वो भी लेकिन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से यूपीएससी के लिए ओनली आईएस नाम ही है, लेकिन बीपीएससी के लिए कुछ फ़ायदा करेगा। तो प्रीलिम्स के लिए तो अगर नहीं, लेकिन कम से कम मेंस के लिए आपको एक पूरा ब्रॉड व्यू तैयार करेगा। आप उस चैनल को जरूर देखें और रेगुलर देखें, आपको वहाँ पर बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी बात है कि और कोई यूट्यूब चैनल में देखा है तो बिहार में बीपीएससी के लिए अभी तो खैर बहुत चैनल हो गए, एक समय था कि कोई चैनल नहीं था, लेकिन अभी तो बहुत सारे चैनल हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को आप अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको मटेरियल मिल रहा है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि बहुत सारे चैनल होने का नुकसान भी होता है कि आपको पता करना मुश्किल हो जाता है कि आप किस चैनल के साथ जाएं, कौन चैनल है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करता है, कौन चैनल के साथ आप कंफर्टेबल हैं। प्रीलिम्स के लिए देखा जाए तो जो चैनल का भरमार है, क्योंकि उसमें क्या कहता है, वन लाइनर क्वेश्चन है उसको डाल दिए, कहीं से भी बुक से, किताब से, लूसेंट से, मैगजीन से निकाल के डाल दिए, उस आधार पर तैयार हो जाता है। बहुत कम ही लोग हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, खासकर रिसर्च बीपीएससी ओरिएंटेड। बीपीएससी का पैटर्न देख ही रहे हैं कि अब जिस तरह से बदलते जा रहा है ई ऑप्शन, उसके बाद में अभी जो इसका जो चल रहा है कि क्वेश्चन जो है एकदम ऐसा उसका ऑप्शन इतना क्लोज देता है कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है ई ऑप्शन के साथ साथ ही। तो आने वाले दिनों में तो सुन रहे हैं कि सीसेट भी लागू किया सकता है 2 साल बाद, तो उसके बारे में तो अभी फॉरगेटेड, इसको छोड़ देते हैं। तो आपको ध्यान देना है और ऐसे चैनल को आप सेलेक्ट करें जो कि आपको लगता है कि वहाँ पर आपको काम का मिलता है। बहुत सारे चैनल हैं जो कि लूसेंट से वन लाइनर इकट्ठा कर करके आपको मिल जाएगा, तो वो तो आपको किताब में ही मिल जाएगा, उसके लिए आप इतना भेजा फ्राई क्यों करने की ज़रूरत है, उसको आप किताब से ही पढ़ें ना। किताब जो है अभी भी प्रिंट मीडिया का कोई उसका तोड़ नहीं है, प्रिंट अभी भी अगर आप बुकलेट पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, अच्छे राइटर्स का बुक पढ़ें, अच्छे नोट्स पढ़ें, तो आपको बहुत मदद करेगा। तो यूट्यूब चैनल में मैं ओनली आईएस को सलाह दूंगा। प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे चैनल है, उसमें से आप जिसको आप चुनना चाहते हैं चुन लें, खासकर अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए जिस चैनल को आप चुनना चाहते हैं उस चैनल को चुन लें, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स का ही फायदा। और फिर अगर न्यूज़ के लिए आप अगर अपडेट होते रहना चाहते हैं, बहुत सारे चैनल तो अब तो ऐसे ऐसे चैनल देते हैं कि न्यूज अभी आया भी नहीं लेकिन उसको ऐसे बता देते हैं कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, क्योंकि उनको चाहिए ज़्यादा व्यू, ज़्यादा सब्सक्राइबर, सडन ग्रो करना चाहते हैं, तो इस वजह से उन लोग इसका हथकंडा को अपनाते हैं। तो सबका अपना अपना स्टाइल है, जो जिस तरह से कहना चाहते हैं डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार उस तरीके से आप जीते हैं, या फिर अपना तरीका है, या फिर किस तरह से आप जीना चाहते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ई पेपर की बात करें तो कोई ना कोई आप ई पेपर या फिर ऑनलाइन पेपर जो है आप उसको जरूर स्टडी करें। ऑनलाइन पेपर का मतलब जैसे कि आप हिंदुस्तान का देखेंगे, ई पेपर बहुत ही काम का है और आपको बहुत ही अच्छा आपको न्यूज़ मिल जाएगा, आप कहीं भी हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा इसका। तो ई पेपर का है कि आप दो पेपर आप दिमाग में रखें, आप डिजिटली पढ़ें ज़्यादा अच्छा होगा। डिजिटली में फ़ायदा है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, किंडल है या फिर टैबलेट है, तो बहुत सारे सोर्स है, आप कहीं भी इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप जर्नी में इसको अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारे आपके फ़ायदे हो गए। तो मैं सलाह दूंगा कि आप जो है ई पेपर जो आता है हिंदुस्तान का उसको आप पढ़ें, एक बिहार के लिए पढ़ें ताकि बिहार का जो घटना है उसके बारे में आप समझते रहें, और दूसरा जो है एक नेशनल लेवल का कोई पेपर पढ़ें। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं अच्छी बात है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, अगर हिंदी माध्यम तो जनसत्ता पता नहीं आपको जो कंफर्टेबल, बहुत लोग दैनिक जागरण पसंद करते हैं, दैनिक जागरण पढ़ें, हिंदुस्तान पढ़ें या फिर दैनिक ट्रिब्यून आता है, ये सब पढ़ें। तो ये सब चीज़ जो है आप पढ़ें, एक पेपर को आप बिहार के लिए रखें, एक पेपर आप उसका सिर्फ हेडलाइन पढ़ें, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको किसी चीज़ का आपको बहुत बड़े जानकार नहीं बनना है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल न्यूज़ से आप जितना चाहें दूर रहें, पॉलिटिकल अफेयर से जितना चाहें दूर रहें, आप एक साल बाद एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में आपको जो कहना है करें, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल न्यूज़ से दूर रहें, क्योंकि
पॉलिटिकल जो न्यूज है आपका सोचने का तरीका को बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करता है, आपको सोचने का वे को वो डिस्टर्ब करता है। आप एक अनबायस्ड को सोचें, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। फेक न्यूज़ का ज़माना है, फेक न्यूज़ से आप बचने की कोशिश करें, क्योंकि यूट्यूब पे आपको, ऑनलाइन, फेसबुक पे बहुत सारे फेक न्यूज़ फैलाया जाता है। तो अब मैं किसको समझा रहा हूँ, वैसे स्टूडेंट को समझा रहा हूँ जो खुद इंटेलेक्चुअल हैं, तो उन लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, कि क्योंकि उनको पता है कि कौन सा फेक न्यूज़ है, आप ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ें। तो ये हो गया ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स जो कि आपके लिए काम का है। इसके अलावा देखें तो इनसाइट हो गया, विजन हो गया। तो विजन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा मटेरियल उसका मिलता है, लेकिन वो यूपीएससी के लिए पूरी तरह से, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा ज़्यादा। अगर इनसाइट देखा जाए तो इनसाइट कुछ हद तक ठीक है। उसके अलावा आप दृष्टि का जो आता है, मंथली जो आता है करंट अफेयर्स, उसको आप देख लें, इतना सफिशियंट है, बहुत ज़्यादा किताब में आपको फंसने की जरूरत नहीं। ट्रेडिशनल बुक को जरूर पढ़ें, फॉलो करें उसको, एनसीईआरटी का। अब यहाँ पे बात आती है कि एनएस नॉलेज पॉइंट क्या आपके लिए कहता है। तो एनएस नॉलेज पॉइंट जो है बनाया ही गया था कि ऐसा नहीं कि वन बाय वन, लाइन बाय लाइन, यानी पूरा कोर्स तैयार किया जाए, उस तरह से नहीं था। ये दिमाग में इस तरह से रख कर बनाया गया था कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडेंट को कहाँ पे प्रॉब्लम होती है और कहाँ पे मटेरियल उनको खोजने में दिक्कत होता है। मैं बात कर रहा हूँ सीरियस स्टूडेंट का, तो उन लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है, तो वैसे वैसे पॉइंट को मैं कोशिश करता हूँ डील करने का। अगर देखा जाए तो करंट में कुछ वैसे टॉपिक्स आते हैं जो कि लगता है कि नहीं, हमारा जीएस पेपर वन, पेपर टू में कहीं भी इसको इस्तेमाल किया सकता है, वैसे करंट को मैं आपके साथ डील करता हूँ। और कुछ हम लोग एनालिसिस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं स्टूडेंट हैं, उनको एक व्यू तैयार हो कि मेंस को हम लोग कैसे लिखें, कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे आंसर लिखें, कितना मार्क्स का होगा, कितना मार्क्स आ सकता है। तो ये चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ अमित सर, आपको एसडब्ल्यू में बहुत अच्छा गाइड किए हैं, तो वहाँ से आपको बुक्स हो गया, ये सब चीज़ में मैं आपको गाइड करूँगा। न्यूज़ तो आते ही रहता है, न्यूज़ तो मैं बीपीएससी के अलावा भी बहुत सारे कवर कर लेता हूँ, तो न्यूज़ हो गया। उसके अलावा देखा जाए प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए मैं कोशिश करता हूँ वैसे करंट अफेयर्स को, जो कि जनरल जो मैगजीन में मिलता है, या फिर कोशिश करता हूँ थोड़ा अलग हट के जो करंट अफेयर्स, जो मेरी नज़र में, ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना स्टाइल है, तो अपनी नज़र में अगर लगता है कि थोड़ा करंट अफेयर्स जानना चाहिए सभी लोग को, तो वैसे करंट अफेयर्स खासकर जो बीपीएससी के दिमाग में रख के मैं उसे करंट अफेयर्स को डालता हूँ। हिस्ट्री या ज्योग्राफी या फिर एनसीईआरटी से कुछ अगर क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन को अगर मैं कलेक्ट करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन आपके काम का बहुत ज़्यादा है, जरूरत, जो ऐसा लगता है कि मुझे पता होना चाहिए लेकिन पता नहीं किसी वजह से, चाहे मुझे अफसोस होता है कि यार इसको जानना चाहिए, ये काम का चीज़ है, क्योंकि अब तो इस स्टेज पे मेरे ख्याल से आप समझने लगे होंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस तरह से आपको एनएस नॉलेज पॉइंट जो आपको मदद करता है और आगे भी करता रहेगा। यहाँ पर जो भी न्यूज आएगा पूरा ऑथेंटिक रहेगा, पूरा सही तरह से रहेगा, जांचा परखा जाता है, ताकि स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि प्रॉब्लम से स्टूडेंट कहाँ पर सफ़र करते हैं। तो अभी जो है इसके रिलेटेड जो है आगे जो वीडियो होगा, जो कि अभी मैं पोलिंग रखा था जिसमें कि हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वोट आया कि हिस्ट्री से मेंस से रिलेटेड आप हिस्ट्री का वीडियो बनाएं, तो इस पर काम किया जाएगा। अभी जो मेंस का जो फाइनल रिजल्ट आया 56-59 का, उसके बाद में इस पर काम किया जाएगा, और फिर आप लोग का जो है इसमें जो है एक प्रॉपर ढंग से गाइड किया जाएगा, और आप जो है बिल्कुल आसानी से आप 63rd का मेंस हो, 60-62 का जो इंटरव्यू फाइनल हो, या फिर देखा जाए इसका जो 64th का जो प्रीलिम्स है, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो भी डिजिटल माध्यम से आपको नोट्स मिलता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, उसको एक आप कॉपी पे लिखें, उस कॉपी को आप बार बार रिविजन करें, नहीं तो आप कितना भी पढ़ें भूल जाएंगे। ह्यूमन बीइंग है, हमें भूलने की आदत है और भूलेंगे ही, इस वजह से आप नोट्स देखें, एग्जाम के समय आप फास्ट रिविजन करेंगे। तो जो भी मैं भी कुछ क्वेश्चन अगर डिस्कस करता हूँ, उसको कुछ लगता है पॉइंट्स आपके काम का है, उस पॉइंट्स को आप बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे ढंग से एक कॉपी में लिखें, उस कॉपी को काफ़ी सुरक्षित रखें, एग्जाम के समय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। और जो भी कंटेंट आपको मिलता है, जिससे बहुत सारे व्हाट्सएप पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो वो कंटेंट जो है ना व्हाट्सएप पे ही रह जाता है। आप उसको कितना बार पढ़ते हैं, आप ऑनेस्टली खुद से पूछिए कि आप कितना बार उसको पढ़ें, पता चलेगा कि वो व्हाट्सएप की सिर्फ मेमोरी बढ़ाता है, रियल में उससे आपको एक इन्फॉर्मेशन के लिए सब प्लेटफॉर्म है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना खुद होगा। अच्छे किताब को पढ़ें, जीएस पेपर वन, पेपर टू, ऑप्शनल अच्छे बुक्स को पढ़ें। एडिशनल आपको जो हेल्प हो सकता है मैं दूंगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वहाँ से आपको हेल्प मिलता है, तो आपको जहाँ कंफर्टेबिलिटी लग रहा है वहाँ पर जाकर आप हेल्प लें। मैं किसी चैनल को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ऑनलाइन इसको मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि ये सभी चैनल में हमको सबसे बेस्ट लगा, और आपका एक जो माइंडसेट है ना काफ़ी ज़्यादा इसका दायरा बढ़ाएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है इसका। तो ये था मेरा ओपिनियन। तो ये बेसिकली हम लोग डिस्कस ये वो था कि कैसे हम लोग ऑनलाइन मटेरियल्स को
इफेक्टिवली और कैसे इस्तेमाल करें ऐसा, जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो आई थिंक अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ इसमें कुछ त्रुटि लगता है तो। बस मेरा प्रयास है कि आपका जो लाइफ है, आपका फ्यूचर सुरक्षित हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।